नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, हमारे चैनल के माध्यम से महाराज जी से संबंधित अद्भुत कथाओं की श्रृंखलाओं का क्रम जारी है। तो आज भी आपके लिए बहुत ही अद्भुत विशेषांक लेकर आए हैं, शीर्षक आप जानते ही होंगे। तो आइए बिना देर किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के विशेषांक की ओर। आज का यह विशेषांक महाराज जी के अनन्य भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे हमारे जो महाराज जी के भक्त हैं, वे जानना चाहते हैं कि महाराज जी के प्रति उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है। महाराज जी के प्रति जो वे श्रद्धा कर रहे हैं, क्या वे श्रद्धा महाराज जी तक पहुँच रही है, उसका क्या लाभ उन तक पहुँच पा रहा है। तो आज का ये विशेषांक इसी पर आधारित है। बहुत से जो महाराज जी के अन्य भक्त हैं, वे ये सवाल पूछते हैं कि महाराज जी की हम श्रद्धा भाव कर रहे हैं, महाराज जी से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या ये जानकारी हमें कैसे मिल पाएगी कि महाराज जी की कृपा हम तक किस प्रकार से हो रही है, हमारे जीवन में क्या बदलाव आ रहा है महाराज जी की श्रद्धा से। तो क्या बदलाव है, ये बदलाव है, देखिए इसके कुछ संकेत अवश्य होते हैं जब भी आप महाराज जी से जुड़ते हैं। तो ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है और जितने भी महाराज जी के अनन्य भक्त हुए हैं उनसे भी ये जानकारी प्राप्त की हुई है। तो उसी के अनुभव से आपको मैं आज के जो कुछ संकेत हैं महाराज जी से जुड़ने के पश्चात कि महाराज जी की कृपा आप पर है या नहीं है, तो वह कौन से संकेत हैं जिससे हम ये पता कर सकते हैं। देखिए, इसका सबसे पहला संकेत यही है कि जब आप महाराज जी से जुड़ते हैं तो स्वतः ही महाराज जी के जो छवि है, महाराज जी का जो स्वरूप है, उससे एक बहुत ही अनोखी, एक बहुत ही अद्भुत उनसे एक जुड़ाव हो जाता है। कि जब भी हम महाराज जी के स्वरूप को देखते हैं तो महाराज जी के स्वरूप को देखने का, महाराज जी को निहारने का इतना मन करता है। पूरे दिन भर भी यदि आपको महाराज जी की छवि देखने को मिल जाए तो आप अघाते नहीं हैं, महाराज जी को देखते ही रहते हैं। यानी कि महाराज जी की छवि इतनी मनोभावनी है, इतना ज़्यादा उसमें तेज है, इतना उसमें लगाव है कि आप महाराज जी को देखते रहते हैं। आपका जो चित्त है, जो मन है, वो बिल्कुल नहीं भरता। तो पहला संकेत यही है कि आपकी प्रीति महाराज जी से बहुत गहरी होती जा रही है। इन संकेतों को आप स्वतः भी देखिएगा, इनका अनुभव करिएगा कि क्या ये संकेत आपको भी मिल रहे हैं। दूसरा जो सबसे मजबूत, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला संकेत है, वो ये है कि स्वतः ही हनुमान जी के प्रति आपका लगाव, आपका झुकाव, आपकी श्रद्धा भरपूर प्रकार से बढ़ने लगती है। हनुमान चालीसा आपको कंठस्थ होने के साथ साथ आपके चित्त में भी उतर जाती है। आपका मन करता है कि श्री राम राम का जो जाप है और हनुमान चालीसा का ऐसा पाठ कर सकते हैं जो कि शायद कोई और कर सकता हो। इतनी प्रीति हनुमान चालीसा से, स्वयं हनुमान जी से आपकी हो जाती है। आप एक ऐसा मजबूत लगाव महसूस करने लगते हैं कि जैसे ही आपने कोई बात ईश्वर तक कही हो और आपकी वो बात पूरी होने वाली हो। इतना घनिष्ठ प्रकार का आपका लगाव श्री हनुमान जी से और श्री राम जी से हो जाता है। विशेषकर जिनको भी ये संकेत मिल रहे हैं तो वह अपने इन संकेतों के चलते अपनी जो श्रद्धा भक्ति है उसको और बढ़ा लीजिए। इसके अलावा कुछ संकेत और होते हैं। एक संकेत यह होता है कि जब भी आप महाराज जी के समक्ष बैठते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि महाराज जी की छवि, महाराज जी की जो रहस्यमयी जो स्वरूप है महाराज जी का, वह स्वतः ही आपसे बात करने लगेगा। आपको ऐसा लगने लगता है कि महाराज जी समक्ष बैठे तो हुए हैं। और यह बात महाराज जी ने भी कही है कि जो भी मेरी तस्वीर के समक्ष बैठकर किसी भी प्रकार की प्रार्थना करता है मेरा कोई भक्त, तो उसे मैं स्वयं सुनता हूँ, उस पर स्वयं विचार करता हूँ। तो इस प्रकार से आपका लगाव महाराज जी से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा आपको यह अनुभूति होती है कि महाराज जी आपकी बातों को सुन रहे हैं। आप अगर अकेले भी बैठे हों तो आपको लगता है कि आपके साथ
महाराज जी का सानिध्य है। आप सदैव महाराज जी के बारे में सोचते रहते हैं, महाराज जी को और जानने का प्रयास करने लगते हैं, तो यह बहुत ही दुर्लभ संयोग और बहुत ही दुर्लभ संकेत होते हैं जो महाराज जी से जुड़ने वाले भक्तों को प्राप्त होते हैं। इसके अलावा रामायण में आपकी रुचि होना, और इसके अलावा जो व्यवहारिक ज्ञान, व्यवहारिक जो परिवर्तन है वो क्या होते हैं, वो कौन से संकेत होते हैं, यह तो एक प्रभावी संकेत है ही कि महाराज जी से आपका लगाव होना शुरू हो जाएगा, हनुमान जी में आपकी प्रीति बढ़ जाएगी, श्री राम नाम में, श्री राम जी के छवि में, श्री राम जी के चरित्र के बारे में आप जानने के इच्छुक होते चले जाएंगे। लेकिन व्यवहारिक कौन कौन से ऐसे संकेत हैं जो महाराज जी से जुड़ने के बाद परिवर्तित हो जाते हैं, आपके जीवन में परिवर्तन आने लगता है, वह कौन सा परिवर्तन है? वह यह है कि आप सदैव जो सदाचार के कार्य हैं, जो भक्ति भाव है, उसमें आपकी रुचि बढ़ने लग जाती है स्वतः ही, क्योंकि ये एक अंतर मन की बात होती है, आपके अंतर मन से ही परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। धर्म कर्म के काम में आपकी रुचि बढ़ने लग जाती है। विनय चालीसा में भी आपने ये छंद अवश्य सुना होगा, क्योंकि वो भी एक व्यक्तिगत ही अनुभव विनय चालीसा में उन्होंने बताया है कि धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि स्वतः बढ़ जाती है। नास्तिक जो हैं वो आस्तिक होने शुरू हो जाते हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर शक्तियों को नहीं मानते, वह ईश्वर के प्रभाव में आने लग जाते हैं। धर्म कर्म के काम में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा आपके जीवन से झूठ का प्रभाव खत्म हो जाता है, क्योंकि महाराज जी सबसे पहले अपने भक्तों से ऐसी बुराइयों को दूर करते हैं, ऐसे जो अनिष्ट कार्य हैं उनको अपने भक्तों से दूर कर देते हैं। कैसे अनिष्ट कार्य? जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, गलत लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना, किसी को दुख पहुंचाना, पीड़ा पहुंचाना, इस तरह के जो यह विकार हैं जीवन से, वो अपने आप ही स्वतः ही ओझल होने लग जाते हैं। तो ऐसे ये जो संकेत आपको मिल रहे हैं, जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि बहुत से ऐसे छंद हुए हैं, बहुत से ऐसी घटनाएं हुई हैं जहाँ पे, जिसको आप कह सकते हैं कि जड़ नास्तिक प्रकार के व्यक्तियों का मन परिवर्तन हो गया, वो महाराज जी की कृपा से ही परिवर्तित हुआ है, महाराज जी के सानिध्य से ही ऐसा हुआ है। जब आप महाराज जी के सानिध्य में आते हैं तो महाराज जी स्वतः ही अपने भक्तों के जो विकार हैं, जो इस भौतिक जीवन से उन्हें प्राप्त हुए हैं, वो सारे विकारों को महाराज जी दूर करना शुरू कर देते हैं। यह वो प्रबल संकेत हैं। अगर आपको आपके जीवन में ये प्रबल संकेत या किसी भी प्रकार से आप यह तय कर रहे हैं, आप देख रहे हैं आपके जीवन में इस प्रकार के संकेत आ रहे हैं, तो आप स्वयं को बहुत भाग्यशाली समझना शुरू कर दीजिए, क्योंकि महाराज जी की कृपा आप पर होनी शुरू हो गई है। और जिन लोगों को यह संकेत प्राप्त होने के साथ साथ जिनके जीवन में इस प्रकार से धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ गई है और वह किसी का अनिष्ट होता हुआ नहीं देख पा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप महाराज जी के घनिष्ठ भक्तों की श्रेणी में शामिल हो चुके हैं। तो इस प्रकार के संकेत अगर आपके जीवन में आ रहे हैं तो आप यह समझ लीजिएगा कि आप बहुत बहुत भाग्यवान हैं, क्योंकि महाराज जी से आप सीधा और प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। तो आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि जो भी भक्ति भाव अभी तक आप महाराज जी के साथ बनाए हुए हैं, उसको और घनिष्ठ बनाइए, महाराज जी के प्रति अपने झुकाव को और बढ़ाइए। आप पाएंगे कि आप महाराज जी की कृपा के ऐसे पात्र बन गए हैं या बन जाएंगे, जिससे आपको महाराज जी से किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी कहने में संकोच नहीं होगा, और निश्चित तौर पे आपकी सभी परेशानियों का अंत महाराज जी कर देंगे। तो यह था आज का क्रमांक, जिससे आपको महाराज जी के प्रति इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराई गई। ये व्यक्तिगत अनुभव के साथ साथ में अनन्य भक्तों से प्राप्त जानकारी के माध्यम से आपको आज का विशेषांक तैयार करके बताया गया था। कामना करते हैं आप सभी का स्वास्थ्य बहुत उत्तम रहे, अपने परिजनों का ध्यान रखिए, माता पिता का आदर करिए और वृद्धों का सम्मान अवश्य करिएगा। तो आज के विशेषांक में इतना ही, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।